हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। शुरू करते हैं IGI 3 से रिलेटेड एक वीडियो पब्लिश हुआ है एंटीमेटअप गेमिंग चैनल पे एंड काफ़ी न्यू डिटेल्स पता चली है। ये गेम 1980s के टाइम पे सेट होगा जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस टाइम के वेपन्स दिखाए जाएंगे लाइक पिस्तौल, स्नाइपर एक्सेट्रा। एंड इस गेम का प्रोटैगनिस्ट चेंज हो गया और जिसका नाम है रीगेंड। उसके अलावा ये गेम अनरियल इंजन में बन रहा है। तो अगली न्यूज आ रही है एलियन आइसोलेशन से। ये गेम एंड्रॉयड एंड iOS के लिए रिलीज हो गया है। ये फर्स्ट पर्सन गेम है जिसमें आप अमांडा हो और उसकी मदर के डेट का पता लगा रहे हो। फ्रेड रिकॉर्डर के डेटा के आधार पर आप इन्वेस्टिगेट करते करते जीनोमॉर्फ मिलता है जो कि एक खतरनाक एलियन क्रीचर है। और ये मोबाइल वर्जन के लिए रन हाइड एंड सर्वाइविंग के लिए गेम मैकेनिज्म को रिडिजाइन किया गया है जिसमें आप टच स्क्रीन के मदद से गेम खेल सकते हो और कंट्रोल्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसमें सारी DLC इंक्लूड कर दी गई है जो कि आप ओरिजिनल गेम में खेल सकते हो। हाँ, पर ये पेड गेम है, ये फ्री गेम नहीं है। प्ले स्टोर पे इसके प्राइस 249 रुपीस में मिल रहा है। तो अगली न्यूज आ रही है एलन वे 2 को लेकर। तो गेम अवार्ड्स में एलन वे 2 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और रेमेडी गेम्स ने बताया कि ये गेम एक फर्स्ट पर्सन हॉरर शूटर गेम होने वाला है। हालांकि फैंस एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये गेम की अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो जाए, पर देर आए दुरुस्त आए। साइबर पंक जैसा और बैटल फील्ड 2042 जैसा सीन नहीं होना चाहिए। मतलब फैंस को फिनिश्ड गेम मिलने चाहिए, ना कि अनफिनिश्ड गेम। तो रेमेडी गेम्स ने अच्छा डिसीजन लिया है। अब देखते हैं ये गेम कैसे निकलता है। तो अगली न्यूज आ रही है सुसाइड स्क्वाड गेम के तरफ से। तो सुसाइड स्क्वाड गेम का एक ट्रेलर रिलीज किया गया है। बेसिकली उन्होंने गेम प्ले रिलीज किया है। मुझे वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और मार्वल एवेंजर्स की फील देता है, पर ट्रेलर के हिसाब से मुझे उसका गेम प्ले अच्छा लगा। उन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स गेम में डाले हैं जैसे कि किंग शार्क हो गया, हार्ली क्विन हो गई, कैप्टन बूमरैंग हो गया और बहुत सारी कैरेक्टर्स उन्होंने ऐड किए हैं ये गेम में। बेसिकली इस गेम में आप जस्टिस लीग को मारते हो जो कि ब्रेन वॉश हुए, यही ये गेम का प्लॉट है। ये गेम नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाला है PlayStation 5, PC और Xbox में। तो अगली न्यूज आ रही है DC के अगले गेम से जो कि है वंडर वुमन। तो गेम अवार्ड्स में वंडर वुमन का भी अनाउंस कर दिया गया है, पर उन्होंने ज्यादा डिटेल शो नहीं किए हैं। उन्होंने बस वंडर वुमन का फर्स्ट लुक ट्रीजर फॉर्मेट में शोकेस किया है और जो उसका लासो है वो भी रिवील कर दिया गया है। और ये गेम एक सिंगल प्लेयर थर्ड पर्सन ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम होने वाला है और ये गेम में वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएंगी, ऐसा कुछ डिटेल्स यहाँ पे निकल के आए है गेम को लेके। और गेम की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की है, पर मेरे हिसाब से ये गेम अगले साल तक या 2023 तक ये गेम रिलीज होना चाहिए। तो अगली न्यूज आ रही है NVIDIA की तरफ से। तो जो RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड थे वो आपको सिर्फ लैपटॉप में देखने के लिए मिलते थे, बट ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं दो वेरिएंट्स में। एक तो 4GB और एक 8GB VRAM में आ सकता है और उसी के साथ RTX 3060 भी रिलीज करने वाले है। अभी पहले ही ग्राफिक्स कार्ड के स्टॉक्स में नहीं है, तो अब देखते हैं ये ग्राफिक्स कार्ड कब हमको परचेस करने के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगली न्यूज आ रही है क्लाउन फील्ड 2042 को लेकर। ये गेम एक क्लाउन वर्जन है बैटल फील्ड 2042 का। आपको पता है कि बैटल फील्ड 2042 ज्यादा गेमर्स और रिव्यूअर्स को पसंद नहीं आए ड्यू टू उसके हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, बग्स, ग्लिचेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटल फील्ड 2042 गेम एक डाउनग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है क्लाउन फील्ड 2042। इसका गेम प्ले आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये गेम एक लो पॉलीगॉन बेस्ड गेम है और ये गेम 31 दिसंबर को रिलीज होने वाला है जो कि किसी भी PC पे मस्त चल जाएगा। तो अगली न्यूज आ रही है एक हॉरर गेम से जिसका नाम है स्लटरहेड। इस गेम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। उस ट्रेलर में हमको ये समझता है कि ह्यूमंस में कुछ वायरस स्प्रेड हो जाता है और उनके जो सर है वो फट जाते हैं और उनकी बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है। बेसिकली ये वायरस स्प्रेड होने के बाद ह्यूमंस मॉन्स्टर में बन जाते हैं और ऐसा कुछ करके ट्रेलर में दिखाया गया है। उसका गेम प्ले तो अभी तक आया नहीं है, तो लेट्स सी इसका गेम प्ले कैसा निकलता है। तो उसके बाद हमारी अगली न्यूज आ रही है ट्वीन मिरर गेम से। ये गेम जो है वो स्टीम पे आ गया है। बेसिकली इस गेम का फ्री डेमो अवेलेबल है स्टीम पे, तो आप जाके इस डेमो को खेल सकते हो। ये गेम जो है वो लाइफ स्ट्रेंज डेवलपर की तरफ से आता है। ये गेम काफी अमेजिंग और डिफरेंट है बाकी गेम से। ये डेमो आपको स्टीम पे और एपिक गेम स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप जाके उसे ट्राई कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।